राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 साल बाद बन रहे मकर राशि में त्रिग्रही योग के बारे में। 50 साल बाद मकर राशि में मंगल, बुध और शुक्र इन तीन ग्रहों का संयोग होगा और 12 राशियों में से 3 राशियां ऐसी हैं जिनको इस त्रिग्रही संयोग का बेहद लाभ होने वाला है। इस वीडियो में हम इन तीनों राशियों की चर्चा करेंगे, साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिनको करके ये तीन राशि वाले और उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म से संबंधित सही जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं त्रिग्रही योग की चर्चा। बंधुओं, इस वीडियो में आपको 3 कुंडलियां दिख रही हैं। ये जो 1 नंबर है ये मेष राशि है, जिसमें 10 नंबर है ये मकर राशि है, जिसमें ये केंद्र में 9 नंबर है ये धनु राशि है। बंधुओं, नवग्रह में मंगल, बुध और शुक्र इनका विशेष योगदान है। 1 फरवरी को बुध मेष राशि वालों के दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, 5 फरवरी को मंगल ने भी प्रवेश कर लिया है और 11 फरवरी को शुक्र ये दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और इनके दशम भाव में मकर राशि में त्रिग्रही योग बनेगा। बंधुओं, बुध जो है वाणी और व्यापार के दाता हैं, विशेष रूप से मंगल आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, धन ऐश्वर्य देते हैं। इसी तरह शुक्र भी आपको यश, कीर्ति, धन, जीवन साथी इन सबको प्रदान करते हैं। यदि मेष राशि वालों की चर्चा की जाए तो उनके ये दशम भाव है ये आजीविका का भाव है, ये पिता का भाव है, यहाँ पर त्रिग्रही योग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से मेष राशि वालों को मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी। बुध, शुक्र और मंगल का मकर राशि में युति आपके कर्म भाव में होने वाली है। ऐसे में आपको कार्यक्षेत्र, कारोबार और करियर में अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। वहीं जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें कोई अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति से मेष राशि के लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख शांति और परस्पर प्रेम का वातावरण रहेगा। व्यापारी वर्ग के जातकों को बिजनेस में कोई बड़ी डील भी मिल सकती है। तो बंधुओं, मेष राशि वालों को इस त्रिग्रही योग का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये कर्म भाव आजीविका के भाव में बन रहा है। तो इस भाव के सभी फलों को ये त्रिग्रही योग और उत्तम फल प्रदान करेगा। अब बात करते हैं धनु राशि। देव गुरु बृहस्पति की राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ये त्रिग्रही योग द्वितीय भाव में बन रहा है। द्वितीय भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और ये आपके परिवार का भाव है। यहां मकर राशि में मंगल, बुध और शुक्र ये तीनों आपके धनु राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में बनेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग अच्छा लाभ मिलने के संकेत देता है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में आपको शुभ परिणाम के अवसर प्राप्त होंगे। यह योग आपकी राशि से धन और वाणी के भाव में बनेगा, जिससे आपको धन की कमी नहीं रहेगी। पहले के मुकाबले आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा जो जातक नौकरी पेशा है उनके लिए नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन होगा तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी नौकरी में हो सकती है। त्रिग्रही योग की वजह से आपको शानदार लाभ और पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके सभी तरह के अधूरे कार्य और अधूरी इच्छाएं जो रह गई हैं पिछले महीने, इस त्रिग्रही योग की वजह से वो सभी पूर्ण होंगी। बंधुओं, तीसरी भाग्यशाली राशि है मकर राशि। मकर राशि आपके स्वयं की राशि में मंगल, बुध और शुक्र त्रिग्रही योग बनाएंगे। इस योग की वजह से मकर राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। ऐसे में इसका सबसे ज्यादा लाभ मकर राशि के जातकों को ही मिलेगा। से आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हरेक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र में इस राशि के जातकों को एक नया शानदार परिणाम देखने को मिल सकता है।
नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मकर राशि के जातकों को इस त्रिग्रह योग के दौरान प्राप्त होगा। धन लाभ के अच्छे मौके आपको प्राप्त होंगे। कैरियर में तरक्की हासिल हो सकती है, यानी कि नौकरी में आपकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि मकर राशि और लग्न वाले जातकों को इस त्रिग्रह योग की वजह से हो सकती है। तो बंधुओं, 50 साल बाद बनने वाले त्रिग्रह योग का विशेष रूप से फल मेष, धनु और मकर राशि के जातकों को प्राप्त होगा। यदि उपाय की बात की जाए तो इस त्रिग्रह योग के दौरान आप अपने इष्ट देव की उपासना करें, मंदिर में केले का दान करें, लाल वस्त्रों का दान करें, पीले वस्त्रों का दान करें और गरीबों को जो कुछ भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं दान करें। गायों को हरा चारा खिलाएं तो मेष, मकर और धन राशि वाले जातकों को 50 साल बाद बनने वाले त्रिग्रह योग का विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।